Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Nasira Shamir. Please like करो, share करो, comment करो. Don't forget to subscribe Nasira Shamir. आज रमज़ान मुबारक का दूसरा रोज़ा है. इस ब्लॉग में मैं इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ. फर्स्ट मैं बनाई हूँ शीर खुरमा और आलू का सालना रोटी. इस वीडियो में बहुत ज़्यादा टेस्टी एमी बनी हूँ और आप भी देखो. मैं पहले बनाने जा रही हूँ मीठा शीर खुरमा. देखो इसके लिए मैं सेमियाँ ली हूँ, ड्राई फ्रूट्स ली हूँ. थोड़े ड्राई फ्रूट्स तो मैं भीगने लग ले रही हूँ. इसे पीस कर पेस्ट करके उसमें डाले तो बहुत ज़्यादा टेस्टी और एमी बनती है हमारा शीर खुरमा. इसीलिए मैं एक बर्तन ली हूँ और एक बड़ा चम्मच से घी डाली हूँ. अब मैं डाल रही हूँ ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, पम्पकिन सीड्स और थोड़े किशमिश. आपको दूसरे भी चाहिए तो ड्राई फ्रूट्स वो भी डाल सकते हो. ड्राई फ्रूट्स तो हल्का सा गोल्डन ब्राउन में आना है जी. अब मैं डाल रही हूँ इलायची पाउडर. अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ सेमियाँ जी. सेमियाँ तो अच्छा गोल्डन ब्राउन आना है तभी हमारे शीर खुरमा बहुत ज़्यादा टेस्टी एमी बनती है. और मैं साइड में बाजू में दो गिलास पानी भी गर्म होने के लिए लग दी हूँ. हाफ लीटर दूध भी गर्म कर बाजू में रख ली हूँ. जो हम दो गिलास गर्म करके रख लेना पानी, अब इसमें शामिल कर रही हूँ जी. पानी डालकर 5 मिनट के लिए अच्छा सा पका लेना है. सेमियाँ तो पक गए हैं. देखो जी एक बार एक सेमी निकाल कर दबा कर देख लो, अच्छा सा पक गया है. तो इसमें अब दूध शामिल कर रही हूँ मैं. 10 मिनट के लिए सेमियाँ अच्छे से पका लो. इसमें दूध में पके तो सेमियाँ बहुत ज़्यादा टेस्टी और एमी बनती है. अब मैं ऐड कर रही हूँ शुगर. आपको टेस्ट के हिसाब से आप डालो. आपको ज़्यादा होना है तो ज़्यादा, कम होना है तो कम. अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ड्राई फ्रूट पेस्ट. मैं वीडियो स्टार्टिंग में बताई थी ना, काजू बादाम और ड्राई खजूर ड्राई फ्रूट्स पेस्ट बनाकर इसमें डाली हूँ. शीर खुरमे को बहुत ज़्यादा टेस्टी और एमी बनाती है. सीक्रेट तो ड्राई फ्रूट्स का पेस्ट ही है. बहुत ज़्यादा एमी और टेस्टी बनती है हमारी शीर खुरमा. तो एक बार बना के देख लो. घर वाले तो बार बार आपको यही रेसिपी बनाओ बोल के बोलते हैं. तो मेरे को ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मेरी रेसिपी कैसा बनी है. अब बनाने वाली हूँ आलू का सालना. उसी लिए मैं दो मीडियम साइज़ वाले ऑनियंस काट रही हूँ. उसके बाद चार टमाटर काट रही हूँ. उसके बाद आलू छिलकर उसको थोड़े मोटे मोटे काटना है. आलू तो जल्दी गल जाते हैं ना, इसीलिए मैं थोड़े बड़े साइज़ वाले स्लाइसेस करना है. अब मैं कुकर ली हूँ और अब मैं ऐड कर रही हूँ दो बड़े चम्मच ऑयल. ऑयल तो गर्म हो गया है. मैं अब इसमें डाल रही हूँ ऑनियन. ऑनियन गोल्डन ब्राउन आना है जी. उसके बाद हम ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट बड़े चम्मच से. अब इसको अच्छा सा फ्राई करना है. अदरक लहसुन का पेस्ट का कच्ची बस जाना है. तब तक इसको ऐसे ही फ्राई करो. हल्का सा गोल्डन ब्राउन आता है. अब मैं ऐड कर रही हूँ कच्चा नारियल का पेस्ट 2-3 स्पून्स. अब मैं डालने वाली हूँ धनिया पाउडर 2 स्पून्स. कच्चा नारियल का पेस्ट डाले तो बहुत ज़्यादा ही एमी बनती है हमारी रेसिपी. आप भी कच्चा नारियल का पेस्ट यूज़ करो. अब एक चम्मच लाल मिर्च डाल रही हूँ. नमक एक चम्मच, हल्दी 1/2 टीस्पून,
हमारे मसाले तो सारे इसमें डाल दी हूँ। अब अच्छे से इसको मसाले के सूप भी पका लेना है जी। उसके बाद हम ऐड करेंगे टमाटर, 4 मीडियम साइज़ वाले टमाटर। मसाले में अच्छे से टमाटर पका लेना है जी, बहुत ज़्यादा तभी टेस्टी और एमी बनती है हमारा सालना। अब मैं ऐड कर रही हूँ आलू। आलू डालकर अच्छा सा मिक्स कर लेना है मसाले में, 5 मिनट्स के लिए ऐसे ही पकने दो। अब मैं ऐड कर रही हूँ 1 ग्लास पानी, आपको चाहे तो और थोड़ा पानी डाल सकते हैं। मैं अब इसमें डाल रही हूँ धनिया और पुदीना बारीक कटे हुए, 2 विजिल्स आए तक लग दे रही हूँ। हमारा आलू का सालना तो पक गया है, बहुत ज़्यादा एमी और टेस्टी, रोटी के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये रेसिपी। आप भी ज़रूर से ट्राई करो, मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करो मेरी रेसिपी कैसे बनी है। ज़रूर से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना तो भूलना मत, और दुआ में भी याद रखो। हमारा तो रमज़ान मुबारक के महीने में ये दूसरा रोज़ा है, आपको मेरी रेसिपी कैसी बनी है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। प्लीज़ सब्सक्राइब नासिरा शमीर। अल्लाह हाफिज़।